नमस्कार, निवेश को तेजी मंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ हेमा धौला खंडी। क्या आपको याद है आपका पहला इन्वेस्टमेंट किस में था? जरा याद कीजिए। अगर आपका जवाब गोल्ड, कंप्यूटर, घर, किसी कंपनी का स्टॉक है तो एक बार फिर से सोचिए। सही जवाब है कि आपका पहला इन्वेस्टमेंट अपने आप पर था। एक बच्चे के तौर पर आपने खुद पर अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी कोशिशों को निवेश किया ताकि आप वह सीख सकें, वह बन सकें जो आज आप हैं। हर सीख और कोशिश के पीछे किसी भरोसेमंद का हाथ आपके साथ था। इसके चलते आपने कई चीजें सीखी होंगी, जैसे लिखना पढ़ना, साइकिल चलाना या स्विमिंग करना। और ये साथ किसी भी रूप में हो सकता है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्त और टीचर के रूप में। ऐसे लोग जो अपने विषय के एक्सपर्ट थे और जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आप सफल हों। तो जिंदगी के हर मोड़ में, हर उम्र में एक पल आता है जहां हमें घबराहट होती है कुछ नया करने पर, कुछ नया सीखने पर। ऐसे में जरूरत होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिस पर हमें भरोसा हो। बस वो कह दे मैं हूं ना, और हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करना हो, फिर चाहे वो इक्विटी में निवेश हो, घर खरीदना हो, रिटायरमेंट प्लान करना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन हो, तो हम किसी नौसिखिए पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो इस सेक्टर में माहिर हो और हमारी जरूरतों को समझते हुए हमें सही रास्ता दिखाए। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपके लाइफस्टाइल और आपके रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपके पैसे का सदुपयोग कर सके और आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न दिला सके, ताकि आप अपनी जिंदगी अपने करीबियों के साथ आराम से बिता सकें और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल चिंताओं को एक जिनी की तरह छू मंतर कर दे। हो सकता है कि आपने निवेश में नुकसान झेला हो, अब आपको निवेश के नाम से ही डर लगता हो, पर निवेश से ना डरें, बल्कि अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराएं। आप भी जानते ही हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसे में एक आय के भरोसे जिंदगी को आराम से चला पाना मुश्किल है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप तेजी मंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि तेजी मंदी आपको ये बताता है कि आपको कौन से फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स लेने चाहिए, कब और कितने स्टॉक्स लेने चाहिए और इन्हें कब बेचना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो पर सिर्फ आपका ही कंट्रोल रहता है, हम केवल आपको सलाह देते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रह सकता है। तेजी मंदी का ये प्रयास है कि हम आपके उस जिंदगी के सलाहकार की तरह आपके साथ जुड़ सकें जो 24 घंटे आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखे। हम आपको बस स्टॉक लेने बेचने के बारे में बताकर अपना काम खत्म नहीं समझते हैं। हम आपको आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हर एक स्टॉक के बारे में साप्ताहिक तौर पर अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि किसी स्टॉक को हमने चुना तो क्यों चुना और किसी स्टॉक को हमने अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया तो क्यों किया। यदि तेजी मंदी से जुड़े आपके पास कोई सवाल है तो हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क कर आप बेझिझक बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तेजी मंदी के साथ निवेश करना अभी शुरू करें।